फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे साथी ओम टॉक चैनल को देखकर ऑप्टिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि आप ओम टॉक चैनल से बहुत कुछ सीख चुके हैं और अपनी खुद की दुकान खोलना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आ रही है कि ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर मशीन कौन सा खरीदना चाहिए और इसकी प्राइस क्या होती है। तो आज इस बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कुछ नाम जो आपके बजट में होंगे और इसे आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप एक ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर मशीन परचेस करना चाहते हैं और किसी को भी पूछते हैं कि भैया मैं कौन सा मशीन लूँ, कौन सा मशीन अच्छा होगा, तो आपको जरूरी सी बात है कोई भी आदमी जो है टॉपकॉन के बारे में ही बताएगा, क्योंकि टॉपकॉन एक नाम चल चुका है उसका और हर किसी को इसके बारे में पता है। कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है और इसके जो रिकॉर्ड्स आते हैं वो भी बहुत ही अच्छे आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि टॉपकॉन जो है एक बहुत ही कॉस्टली मशीन है। इसकी प्राइस जो है 4 लाख रुपए से लेकर 6.5 लाख रुपए तक के आते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल आई टेस्टिंग करते हैं, आप एक ऑप्टोमेट्रिक्स हैं, तो आपको ये मशीन आपके लिए ठीक रहेगी। वरना अगर आप ऐसी कई लोग शोरूम में रखते हैं शो के लिए, थोड़ा बहुत टेस्टिंग करते हैं लेकिन एक अच्छा व्यू आने के लिए भी यूज करते हैं, तो आपको इतना कॉस्टली मशीन रखने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर मशीन के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा जो नेट में सर्च करते हैं कि कौन सा मशीन बेस्ट होगा, इसकी प्राइस कितनी होगी, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि जनरली सभी ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर मशीन जो है एक समान ही होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। जैसे कि आपको आज के डेट में टच स्क्रीन मिलता है वो सभी में मिलेगा, चाहे आप लो क्वालिटी में लो या हाई क्वालिटी में लो, टच स्क्रीन में आता है। आप चाहे बटन कीपैड में भी ले सकते हैं तो दोनों में अवेलेबल होता है। वैसे टच स्क्रीन का ज़्यादा अच्छा होता है, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप टच स्क्रीन में खरीदें अगर जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो। दूसरी बात, कंपनी आपको एक सामने बहुत सारे ऑप्शन रख देती है और प्राइस के साथ साथ आपको बताती है कि आप इसमें प्रिंट निकाल सकते हैं। तो भैया, ये बहुत ही मामूली सी बात है, बहुत ही सामान्य सी बात है, सभी मशीनों में प्रिंट निकालने की सुविधा होती है। आपको ऐसी छोटी मोटी बातों में घुमा फिरा कर महंगी चीज़ें दे देते हैं कंपनी वाले, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। प्रिंट जो है सभी मशीनों में निकल जाता है, कीपैड और टच पैड सभी टाइप के मशीनों में अवेलेबल है। अब बात आती है कि विजन जो है नंबर पावर के बारे में, कि सही पावर एक्यूरेट पावर कौन से मशीन देता है। तो यहाँ पर टॉपकॉन कंपनी तो सबसे बेस्ट है ही, उसका जो नंबर्स आते हैं ना बहुत ही एक्यूरेट आते हैं। लेकिन वहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी है तो कोई भी नॉर्मल मशीन में भी आप एक अच्छा नंबर ले सकते हैं। सबसे मेन चीज़ होता है आप अपने कस्टमर को, पेशेंट को कैसे कुर्सी पर बैठाते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं और टेस्टिंग करने की जो आपकी कला है वो क्या है, इस बातों पर निर्भर करता है कि आपको एक्यूरेट पावर मिलती है या नहीं मिलती है। तो चलिए फ्रेंड, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे मशीनों के नाम जो आप परचेस कर सकते हैं और जिसके प्राइस लो से हाई तक के हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर मशीन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल बटन को भी दबा दें। इसी टाइप की वीडियो आपको रोज़ाना देखने को मिलती रहेगी। और एक खास चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएँ। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।